हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन एन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो हम ट्रांसपोर्टेशन सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, तो हमने जनरल आइडिया ले लिया था ट्रांसपोर्टेशन का कि बेसिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, यूज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन क्या है। तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम ट्रैफिक साइंस के बारे में पढ़ेंगे, आज मैं कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट के बारे में पढ़ेंगे, हम आज मार्किंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम जनरल आइडिया लेंगे ट्रैफिक एक्सीडेंट का या ट्रैफिक स्टडी का। कंटेंट है ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी, वेरियस रोड ट्रैफिक साइंस, कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स एंड रोड सेफ्टी मेजर्स। तो ये आज हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो पहला है ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी, ट्रैफिक और रोड सेफ्टी के बारे में। सबसे पहले उसमें टॉपिक आता है रोड ट्रैफिक साइंस। जैसे कि आप देखते हैं, हम जनरली हम जब यूज करते हैं रोड, तो हम जब ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग हम देखते हैं काफ़ी सारे ट्रैफिक साइंस रोड पे लगे होते हैं, तो उन सब का मीनिंग होता है, ठीक है, और उनको देख के हमको एक्शन लेना होता है ड्यूरिंग द ड्राइविंग। ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस इज द मीडियम यूज फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन ट्रैफिक इंजीनियर एंड रोड यूजर, ठीक है, क्योंकि जो ट्रैफिक साइंस बनाता है वो कौन बनाता है, ट्रैफिक इंजीनियर बनाता है, और उसको यूज कौन करता है, रोड यूजर यूज करता है। तो उन दोनों के बीच में ट्रैफिक साइंस और जो यूजर है वो जो रोड यूजर है उसमें इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो जो ट्रैफिक इंजीनियर कहना चाहता है वो समझ पाए, ठीक है। तो ट्रैफिक इंजीनियर की भी कोशिश रहती है कि जो साइंस बनाए वो क्लियर हो और अंडरस्टेबल हो, ठीक है। तो जो ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेज है उसका मतलब क्या है, कम्युनिकेटिंग बिटवीन ट्रैफिक इंजीनियर एंड रोड यूजर। अनलाइक अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देयर इज नो कंट्रोल ऑन द ड्राइवर, और जो बाकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे रेलवे हो चाहे एयरपोर्ट हो, उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है, देयर इज नो कंट्रोल ऑन द ड्राइवर्स, वहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं होता ड्राइवर्स पे। हियर ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस कम्स टू द हेल्प ऑफ द ट्रैफिक इंजीनियर। सो ट्रैफिक कंट्रोल जो डिवाइस होती है, बेसिकली उनका काम क्या है, उसने एम्पावर किया है ट्रैफिक इंजीनियर को विद द हेल्प ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेज। जो ट्रैफिक इंजीनियर है वो और ज़्यादा सक्षम हुआ है और ज़्यादा इक्विप्ड हुआ है। ट्रैफिक साइंस आर साइलेंट स्पीकर ऑफ द रोड, बेसिकली जो ट्रैफिक साइंस होते हैं वो होते क्या है, साइलेंट स्पीकर ऑफ द रोड होते हैं। देर आर यूज टू इंस्ट्रक्ट कम्यूटर्स अबाउट द रूल्स दैट शुड बी फॉलोड, वॉर्न अबाउट द कंडीशंस अहेड ऑफ द रोड एंड प्रोवाइड विद एनी नेसेसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बेसिकली इसका काम क्या है कि जो रोड यूजर है उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, आगे जो ट्रैवल करने वाला है डिस्टेंस, वहाँ पर उसको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, ठीक है, क्या क्या वहाँ की कंडीशन है, रोड कंडीशन क्या है, क्या वहाँ पर टर्न हो रही है, टर्न है या नहीं है, आगे शार्प टर्न है, कई बार एक्सीडेंटल प्रोन एरिया होते हैं, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रोड यूजर को या ड्राइवर को प्रोवाइड करता है ताकि आगे उसको प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। तो बेसिकली ट्रैफिक साइंस है, इनका काम ये है कि जो रोड ड्राइवर है, रोड यूजर है, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करना कि बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन, लैकिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, कोई मिस हैपन ना हो जाए। द मेजर टाइप ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस यूज्ड आर ट्रैफिक साइंस, जो मेजर कंट्रोल डिवाइसेस हैं उनमें आता है पहले ट्रैफिक साइंस, सेकंड है रोड मार्किंग्स, थर्ड है ट्रैफिक सिग्नल्स एंड फोर्थ है पार्किंग कंट्रोल। दिस चैप्टर डिस्कस ट्रैफिक कंट्रोल साइंस। तो ये चार तरीके के ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेज होते हैं, उसमें ट्रैफिक साइन हो गया, रोड मार्किंग्स हो गई, ट्रैफिक सिग्नल्स हो गए एंड पार्किंग कंट्रोल हो गया। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेज, कि हमको ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेज की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। वैसे मैंने बता दिया अभी कि बेसिकली इनकी हेल्प से जो ट्रैफिक इंजीनियर है वो जो बात आपको कहना चाह रहा है या जो आपको बताना चाह रहा है वो क्लियरली बता पाएगा और आपको सेफ गार्ड प्रोवाइड कराना चाहेगा विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल डिवाइसेज। These control devices should fulfill a need. कौन कौन सी नीड है, Each device must have specific purpose. जो भी डिवाइस हम यूज कर रहे हैं रोड पे, कोई सी डिवाइस, उसका मेन पर्पज़ क्या है, सेफ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ ट्रैफिक फ्लो। जो भी ट्रैफिक हो वो सेफ हो और जो उसका ऑपरेशन हो, ठीक है, वो एफिशिएंट हो। तो सेफ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द ट्रैफिक फ्लो, उसके लिए जो हमारी कंट्रोल डिवाइसेज है वो यूज, हमारी रिक्वायरमेंट पड़ी हमको। इट शुड बी कमांड अटेंशन फ्रॉम द रोड यूजर। ऐसा नहीं है कि जो हम ट्रैफिक डिवाइसेज यूज करें कि जो रोड यूजर उसका अटेंशन ही नहीं है उसकी तरफ, ठीक है। तो दिस अफेक्ट द डिजाइन ऑफ साइंस। फॉर कमांडिंग अटेंशन प्रॉपर विजिबिलिटी शुड बी देयर,
कि जो ट्रैफिक साइन या कुछ जो रोड मार्किंग हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी तरफ अटेंशन हो रोड यूज़र का, ठीक है, जो ड्राइवर है उसका अटेंशन हो। ऐसा नहीं है कि वो कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है उसके सामने, यदि मैं ट्रैफिक साइंस की बात करूं, या वो दिख नहीं रहा, विजिबल नहीं है, ठीक है, या उसकी हाइट ऊपर या नीचे है, तो वो ऐसा होना चाहिए कि जो रोड यूज़र है उसको क्लियरली डिस्टिंक्टिव एंड क्लियर उसकी विजिबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल डिस्टिंक्टिव एंड क्लियर विजिबिलिटी, ताकि जो मैसेज आप आगे ट्रांसफर करना चाह रहे हो, कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, वो क्लियर कम्युनिकेट हो। द साइन शुड बी प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द ड्राइवर रिक्वायर्स नो एक्स्ट्रा एफर्ट टू सी द साइन। और जो ट्रैफिक साइन ऐसी जगह प्लेस करने चाहिए कि उसको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़े ड्राइवर को। सो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, इट शुड कन्वे क्लियर एंड सिंपल मीनिंग। जो हम बात कर चुके हैं कि जो ट्रैफिक साइन है उनके जो मीनिंग है बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल सिंपल होने चाहिए, ताकि देखते ही पता लग जाए। ऐसा नहीं कि वो टाइम कंज्यूमिंग हो, कि उनको देखने में और पढ़ने में समझने में बहुत टाइम लग रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी क्लियर एंड सिंपल मीनिंग। क्लियरिटी एंड सिंपलिसिटी ऑफ द मैसेज इज इसेंशियल फॉर द ड्राइवर टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड द मीनिंग इन शॉर्ट टाइम। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत कम समय में समझ जाए। द यूज़ ऑफ कलर शेप एंड लीजेंड एज कोड बिकम इंपॉर्टेंट इन द रिगार्ड। तो जो कलर का भी यूज़ करते हैं हम, शेप का भी यूज़ करते हैं, लीजेंड का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए ट्रैफिक साइन में। द लीजेंड शुड बी केप्ट शॉर्ट एंड सिंपल। और जो लीजेंड होता है वो शॉर्ट एंड सिंपल रखा जाता है, ताकि ड्राइवर देखते ही उसके जो मैसेज को है तुरंत समझ जाए। और जो लीजेंड है या जो ट्रैफिक साइंस है या जो भी हमको कम्युनिकेट करना है, उसकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि यदि अनएजुकेटेड पर्सन भी यदि ड्राइव कर रहा है तो वो भी उसको देखकर कम्युनिकेट हो जाए या समझ जाए। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, रोड यूजर्स मस्ट रेस्पेक्ट द साइन। और ऐसा नहीं है कि रोड यूज़र जो साइन है, रोड साइन है, ट्रैफिक साइन है, उनका रेस्पेक्ट ना करें, ठीक है, उनको इग्नोर नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो जो रोड यूज़र है वो भी साइन को रेस्पेक्ट करना चाहिए। Respect is commanded only when the drivers are conditioned to expect that all device carrying meaningful and important message. लेकिन respect भी जब आएगी, जब ये इंश्योर कर ले जो ड्राइवर है कि जो अपन को ट्रैफिक साइन दिए हुए हैं या जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो मीनिंगफुल है और मैसेज इम्पोर्टेंट है, जब जाके ही वो आपको क्या देगा, ट्रैफिक साइन को क्या देगा, रेस्पेक्ट देगा, ठीक है, अदरवाइज वो रेस्पेक्ट नहीं देगा। तो जो मैसेज है वो मीनिंगफुल होने चाहिए, इंपॉर्टेंट मैसेज होने चाहिए। ओवर यूज, मिस यूज एंड कन्फ्यूजिंग मैसेज ऑफ डिवाइस टेंड द ड्राइवर टू इग्नोर दैम। यदि वो जो डिवाइस है, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस, यदि वो कन्फ्यूजिंग मैसेज दे रही है या ओवर यूज मैसेज दे रही है या मिस यूज मैसेज दे रही है, तो ऑब्वियस है ड्राइवर डेफिनेटली इग्नोर दैम, तो ड्राइवर इग्नोर करेगा ही करेगा। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, द कंट्रोल डिवाइस शुड प्रोवाइड एडिक्वेट टाइम फॉर प्रॉपर रेस्पॉन्स फ्रॉम द रोड यूजर। और जो कंट्रोल डिवाइस है वो रोड यूजर को एडिक्वेट टाइम प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो उसको समझ सके और उसको रिएक्ट कर सके। दिस इज अगेन रिलेटेड टू द डिजाइन एस्पेक्ट ऑफ द कंट्रोल डिवाइसेस। ये डिजाइन एस्पेक्ट से रिलेटेड है। द साइन बोर्ड शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस सच दैट ड्राइवर कुड सी इट एंड गेट सफिशियंट टाइम टू रेस्पॉन्ड। जो साइन बोर्ड है, ठीक है, वो उस डिस्टेंस में होने चाहिए ताकि जो रोड यूजर है उसको देख सके और प्रॉपर रेस्पॉन्ड कर सके, और उसके पास सफिशियंट टाइम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो समझने में उसका टाइम लगा दे तो वो रेस्पॉन्ड करने में तो और भी ज़्यादा टाइम लगाएगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो देखे और देखते ही उसको जो भी मैसेज है वो समझ में आ जाए और तुरंत उसको रिएक्ट कर दे कि हम मेरे को क्या रेस्पॉन्ड करना है, क्या रेस्पॉन्स देना है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टॉप साइंस विच इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द स्टॉप लाइन ऑफ द इंटरसेक्शन शुड बी विजिबल फॉर एट लीस्ट वन सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस अवे फ्रॉम द स्टॉप लाइन। जो स्टॉप लाइन का जो साइन बोर्ड होता है उसको वन एस एस डी डिस्टेंस पे प्लेस करते हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन पे, ठीक है, जहाँ पर वो रुक रहा है उसको, जहाँ पर भी ड्राइवर को रुकना है, जहाँ पर हमको उसको कहना है कि यहाँ पर उसको रुकना है, ऐसा नहीं है जहाँ पर उसको स्टॉप करना है वहाँ पर स्टॉप साइन लगा रहे हो, नहीं, उस स्टॉप जहाँ पर उसको रोकना है उससे वन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पहले हम क्या लगा देंगे, स्टॉप बोर्ड लगा देंगे, ताकि वो देखते ही समझ जाए कि मेरे को आगे क्या होना है, स्टॉप होना है, क्योंकि आगे क्या है, स्टॉप लाइन है, तो वो वहाँ पर रिस्पॉन्ड कर देगा। यदि आप जहाँ पर उसको स्टॉप करना है वहाँ पर स्टॉप साइन लगाओगे तो वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन टूल्स। एंड नंबर ऑफ मैकेनिज्म आर यूज्ड बाय द ट्रैफिक इंजीनियर टू कम्युनिकेट विद द रोड यूजर। These mechanisms recognize certain human limitations
particularly eyesight. Messages are conveyed through the following element. इसमें जो भी हम ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेज यूज करते हैं, लेकिन इन सब में कंसर्न क्या है, आईसाइट का, क्योंकि हर किसी का आईसाइट हो सकता है सही ना हो, या विजी या जो भी हम उसको दिखाना चाह रहे हैं, या जो भी ट्रैफिक साइन, रोड मार्किंग, सिग्नल्स, जो भी हम उसको दिखाना चाह रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ द आईसाइट वो उसको देख नहीं पाए. ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा मैसेज कन्वे है वो किसके कलर के फॉर्म में भी हम दिखाते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट है, इट इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इजीली नोटिस्ड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिवाइस. जो कलर है वो बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है. यूसेज ऑफ डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट साइन इज इंपॉर्टेंट. डिफरेंट कलर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइंस के. द मोस्ट कॉमनली यूज कलर आर रेड, ग्रीन, येलो, ब्लैक, ब्लू एंड ब्राउन. सो ये जो कलर हैं, ये 5-6 टाइप के कलर जनरली ट्रैफिक साइंस में या रोड साइन में हम इन्हीं को यूज करते हैं. दीज आर यूज टू कोड सर्टेन डिवाइस एंड रीइंफोर्स स्पेसिफिक मैसेज. कंसिस्टेंट यूज ऑफ कलर्स हेल्प्स द ड्राइवर टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ साइन बोर्ड अहेड. यदि हम यही कलर बार बार भी यूज करेंगे तो ड्राइवर जस्ट कलर को देख कर भी पता लगा सकता है कि ये कलर किस चीज का है या क्या मैसेज देना चाह रहा है. सेकेंड है शेप. ठीक है, शेप के थ्रू भी हम जो हमारा मैसेज परकुलेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. ड्राइवर को हम दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं. इट इज़ द सेकेंड एलिमेंट डिसर्न्ड बाय द ड्राइवर नेक्स्ट टू द कलर ऑफ द डिवाइस. द कैटेगरी ऑफ शेप नॉर्मली यूज्ड सर्कुलर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर एंड डायमंड शेप. टू एक्सेप्शनल शेप यूज इन ट्रैफिक साइन. वन इज ऑक्टागोनल शेप फॉर स्टॉप साइन एंड अदर वन इज इन्वर्टेड ट्राइंगल फॉर गिव वे साइन. ठीक है, दो साइन है, एक है स्टॉप साइन, एक है गिव वे साइन. इन दोनों के लिए हमने डिफरेंट एक्सेप्शनल केस हैं ये दोनों. इनके लिए हमने डिफरेंट शेप, जो कि स्टॉप साइन के लिए है ऑक्टागोनल और गिव वे के लिए है इन्वर्टेड ट्राइंगल. ठीक है, उल्टा ट्राइंगल, इन्वर्टेड ट्राइंगल यूज किया है. जो डायमंड साइन है वो जनरली इंडिया में यूज किया नहीं जाता है, वो जनरली फॉरेन कंट्री में यूज किया जाता है. नेक्स्ट है लीजेंड. दिस इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द डिवाइस दैट द ड्राइवर comprehended. This is an important aspect in the case of traffic sign. For the easy understanding by the driver, the legend should be short, simple and specific. So legend होना चाहिए, जो भी हमको message देना चाहिए वो short होना चाहिए, simple होना चाहिए and specific होना चाहिए. So that it does not divert the attention of the driver. ताकि जो driver का attention वो lack ना हो. Symbols are normally used as legend. तो symbol है generally वो भी legend का काम करते हैं. सिंबल से भी हम समझ सकते हैं कि वो मैसेज क्या देना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है हमको. सो दैट इवन ए पर्सन अनेबल टू रीड द लैंग्वेज विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट देर इज़ नो नीड ऑफ इट इन द केस ऑफ ट्रैफिक सिग्नल एंड रोड मार्किंग. यदि कोई उसको पढ़ नहीं पा रहा है किसी चीज़ को, तो भाई सिंबल देख के भी वो पता लगा ले कि हमको जो ट्रैफिक इंजीनियर है हमको क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है या क्या बताना चाह रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ पर गिवन है. तो लीजेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट है पैटर्न. कि पैटर्न कौन कौन से हैं, पैटर्न के थ्रू भी हम हमारा मैसेज परकुलेट कर सकते हैं. इट इज़ द नॉर्मली यूज इन द एप्लीकेशन ऑफ रोड मार्किंग. ये रोड मार्किंग में यूज होता है. कॉम्प्लीमेंटिंग ट्रैफिक साइन और ट्रैफिक साइन में भी यूज होता है. जनरली सॉलिड, डबल सॉलिड एंड डॉटेड लाइन्स आर यूज. ईच पैटर्न कन्वेज डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिंग. द फ्रिक्वेंट एंड कंसिस्टेंट यूज ऑफ पैटर्न टू कन्वे इन्फॉर्मेशन इज रिकमेंडेड सो दैट the driver get accustomed to the different type of marking and can instantly recognize them. तो solid हो गई, double solid हो गई, dotted line हो गई, ये generally हम use करते हैं. and frequent and consistent use of pattern से क्या होता है, driver भी क्या हो जाता है, उससे familiar हो जाता है. तो उनको देख कर ही वो भी समझ जाता है कि कौन सी road marking दे रखी है या कौन सा traffic sign दे रखा है. next है type of traffic sign. अब traffic sign कौन कौन से होते हैं उनके types देख लेते हैं. There are several types of traffic signs available covering wide varieties of traffic situations. They can be classified into three main categories. First is regulatory sign. Regulatory sign में क्या है, signs for the safety of the other road user. तो इसमें जो signs traffic sign बनाए जाते हैं वो basically जो driver होता है उसकी safety को ध्यान में देके बनाए जाते हैं. तो it is used for
साइन फॉर द सेफ्टी ऑफ द अदर रोड यूजर। तो पहला हो गया रेगुलेटरी साइन, इनको हम क्योशनरी साइन भी बोलते हैं। सेकेंड है वार्निंग साइन, ये बेसिकली दीज साइंस आर फॉर द सेफ्टी ऑफ वन सेल्फ हु इज ड्राइविंग एंड एडवाइज द ड्राइवर्स टू ओबे दिस साइन। ठीक है, ये सेफ्टी के लिए हो गया। थर्ड है इंफॉर्मेटिव साइंस, इनको देख के आपको कोई भी इंफॉर्मेशन यदि जो ट्रैफिक इंजीनियर है या लोकल बॉडी है वो आपको बताना चाहती है तो इनको देख कर भी, इन बोर्ड्स को देख कर भी हम पता लगा सकते हैं कि हमको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। जैसे रूट एंड डिस्टेंस, रूट और डिस्टेंस हमने डेली लाइफ में देखे भी हैं कि जैसे हम ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर बोर्ड दिए होते हैं कि जयपुर से दिल्ली इतने किलोमीटर हैं, तो वहाँ पर एरो साइन भी होता है, डायरेक्शन भी बता देते हैं, रूट भी बता देते हैं। ठीक है, यदि आगरा जाना है तो उसका बोर्ड भी हमने देखा है कई बार, बोर्ड लगे होते हैं वहाँ पर, एरो भी होता है उसका, डिस्टेंस भी बताया होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इन एडिशन स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रैफिक साइन नेमली वर्क जोन साइंस आर ऑल्सो अवेलेबल। वर्क जोन साइन है, ठीक है, ये भी एक तरीके के साइन बोर्ड ही है इन तीनों के अलावा। दिस टाइप ऑफ साइंस आर यूज टू गिवन वार्निंग टू द रोड यूजर, तो ये ड्राइवर को वार्निंग देने के काम आते हैं। वेन सम कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन द रोड, तो ये जो आपको दिख रहे हैं वर्क जोन साइन का मतलब है कि जैसे कई बार आपने देखा होगा कि वर्क इन प्रोग्रेस के बोर्ड लगे रहते हैं रास्ते में रोड पे, उसका मतलब है कि कोई भी काम प्रोग्रेस हो रहा है तो उसको वहाँ पर शो करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, कि यहाँ पर अभी काम हो रहा है तो जो वे है वो डाइवर्ट किया गया है कुछ भी, ठीक है, लिख के हमको बताया जाता है। जैसे ही वो काम कंप्लीट होता है वो वहाँ से हटा दिया जाता है। तो ये परमानेंट साइन बोर्ड नहीं होते हैं, ये टेम्परेरी होते हैं, जब तक वहाँ काम चल रहा होता है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है तब तक तो वहाँ लगाए जाते हैं, उसके बाद उनको हटा दिया जाता है। तो हम वन बाय वन करके अब इनको डिटेल में स्टडी करेंगे, रेगुलेटरी साइन और मैंडेटरी साइन। These signs are also called mandatory sign because it is mandatory that the drivers must obey this sign. If the driver fails to obey them, the control agency has the right to take legal action against the driver. These signs are primarily meant for the safety of other road user. ठीक है, तो ये बेसिकली क्यों बनाए गए, ये सेफ्टी ऑफ अदर रोड यूजर के लिए बनाए गए। ड्राइवर की कंपलसरी होता है कि उसको फॉलो करे, यदि वैसा नहीं करता है तो कोई भी लीगल एक्शन उसके खिलाफ लिया जा सकता है। दीज साइंस हैव जनरली ब्लैक लीजेंड ऑन ए वाइट बैकग्राउंड, तो जनरली ये जो साइन होते हैं ब्लैक लीजेंड ऑन ए वाइट बैकग्राउंड होते हैं एंड दे आर सर्कुलर इन शेप, जनरली ये सर्कुलर होते हैं शेप में विद रेड बॉर्डर, और बॉर्डर क्या होता है रेड होता है। These regulatory signs can be further classified into right of way series, एक होता है right of way series, these include two unique signs that assign the right of way to the selected approach of the intersection, they are stop sign and give away sign। ठीक है, दो sign हो गए इसमें right of way series में, एक हो गया stop sign हो गया, दूसरा sign हो गया give away sign हो गया। Next है speed series, ठीक है, स्पीड सीरीज में इसमें हम स्पीड मेंशन करते हैं कि कोई भी हाईवे पे इस स्पीड से, ये रेस्ट्रिक्टेड स्पीड है, ये इसकी डिजाइन स्पीड है, ठीक है, स्पीड को लिमिट करते हैं तो उसके लिए हम स्पीड सीरीज साइन लगाते हैं वहाँ। मूवमेंट सीरीज, इसमें कौन सा साइन का यूज करते हैं, टर्न साइन का यूज करते हैं, ठीक है, टर्न साइन का यूज करते हैं, टर्न साइन, अलाइनमेंट साइन, एक्सक्लूजन साइन, वन वे साइन, ठीक है, तो इसमें मूवमेंट शो करते हैं, इसमें अपन स्पीड शो कर रहे थे, स्पीड लिमिट या मैक्सिमम लिमिट या ट्रक स्पीड, ठीक है, कार स्पीड क्या है, टू व्हीलर स्पीड क्या है, इसमें स्टॉप साइन एंड गिव वे साइन। नेक्स्ट है पार्किंग सीरीज, इसमें हम पार्किंग के बारे में बताते हैं किस टाइप की पार्किंग है, ठीक है, और पार्किंग हमें कहाँ करना है, तो पार्किंग के रिगार्डिंग जो भी हमको इंस्ट्रक्शन या प्रोहिबिशन या रिस्ट्रिक्शन हमको बताने होते हैं तो हम इसकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेडेस्ट्रियन सीरीज, दे इंक्लूड बोथ लीजेंड एंड सिंबल साइन, इसमें हम लीजेंड भी यूज करते हैं और सिंबल भी यूज करते हैं, ठीक है, दीज साइंस आर मेड फॉर द सेफ्टी ऑफ द पेडेस्ट्रियन, जो पैदल चलते हैं लोग ये उनकी सेफ्टी के लिए है ये, ठीक है, तो ये हो गया पेडेस्ट्रियन साइन। नेक्स्ट है मिसलेनियस, मिसलेनियस में यदि जो उनमें कवर नहीं हुए कुछ इसमें भी है। Wide variety of signs that are included in this category are keep of median sign, एक और sign है जिसका नाम है keep of median sign, it indicates road closure,
साइन रेस्ट्रिक्टिंग व्हीकल कैरिंग हजार्डस कार्गो और सब्सटेंस, साइन इंडिकेटिंग व्हीकल वेट लिमिटेशन ईटीसी। अब ये क्या क्या शो करते हैं, ये देखो, साइन इंडिकेटिंग व्हीकल्स वेट लिमिटेशन, ये वेट लिमिटेशन शो करते हैं, और क्या करते हैं, हजार्डस कार्गो एंड सब्सटेंस, यही शो करते हैं कि कोई व्हीकल है जो हजार्डस मटेरियल ले जा रहा है या वो लगा रहा है, ठीक है, ये उसके रेस्ट्रिक्शन के लिए, प्रोहिबिशन के लिए ये शो करते हैं, और क्या शो करते हैं हम, लिमिटेशन के लिए, वेट के लिमिटेशन के लिए भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इनसे अलग हो गया, क्योंकि जो साइन है हमारे पास बहुत ज़्यादा उसकी वाइड वेराइटी है, ठीक है, तो उनको सबको उनमें कवर नहीं कर सकते, तो ये भी एक प्रकार का साइन है। जैसे कि ये फोटो दे रखी है, ठीक है, तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कौन कौन सी है, ठीक है। जैसे मैं बता रहा था ऑक्टागोनल, तो ये जो स्टॉप साइन है ये ऑक्टागोनल होता है, जो स्टॉप साइन है ये क्या है, ऑक्टागोनल होता है, ठीक है, ये ऑक्टागोनल शेप है, ठीक है, ये स्टॉप साइन है, स्टॉप। और जो बैकग्राउंड है ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है, इसलिए इसका बैकग्राउंड तो क्या है, इसका जो बैकग्राउंड है वो रेड है, रेड बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड रेड है, और जो लिखा हुआ है सेंटर, ठीक है, जो इसका वो किसमें लिखा हुआ, वाइट में लिखा हुआ है, और इसका बॉर्डर क्या है, वाइट, वाइट बॉर्डर, वाइट बॉर्डर, ठीक है, वाइट बॉर्डर है और इसका बैकग्राउंड रेड है। ऐसे ही गिववे साइन है, तो गिववे साइन क्या है, इन्वर्टेड ट्रायंगल, जो मैंने बताया था इन्वर्टेड ट्रायंगल, ठीक है, गिववे बीच में इसमें रिटर्न है, इसमें क्या है, वाइट बैकग्राउंड है, इसमें वाइट बैकग्राउंड, और जो बॉर्डर है वो रेड है, रेड बॉर्डर, ठीक है, रेड बॉर्डर है, ठीक है, रेड बॉर्डर वाइट बैकग्राउंड एंड हेयर रेड बैकग्राउंड एंड वाइट बॉर्डर, ठीक है, ये दोनों एक्सेप्शनल केस है, ये नो एंट्री का बोर्ड है, ठीक है, ये नो एंट्री का बोर्ड है, ये नो एंट्री हो गया, इसका मतलब है स्ट्रेट प्रोहिबिटेड, मतलब सीधा चलना मना है, ठीक है, यदि कोई भी चीज़ में क्रॉस लग रहा है, इसका मतलब क्या है, स्लैश लग रहा है, काट रहा है कोई भी चीज़, यदि सर्कल को एक लाइन से मैं काटता हूँ, इसका मतलब क्या है, वो चीज़ प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिटेड है, मना है, तो यहाँ पर स्ट्रेट प्रोहिबिटेड है, इसका मतलब सीधा चलना मना है। ये है वन वे का साइन, ठीक है, वन एरो इधर, वन एरो इधर, और इसको क्रॉस कर रखा है, इसका मतलब है दोनों साइड एरो है, इसका मतलब क्या है कि दोनों साइड चलना अलाउ है, लेकिन मैंने इसको काट दिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये वन वे रोड है, दोनों साइड चलना अलाउ नहीं है, दोनों तरफ का मूवमेंट अलाउ नहीं है। ऐसे ही ये साइन है व्हीकल प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शन, ये भी सम सॉर्ट वही, जहाँ भी कटा हुआ है वो मना है, ये हॉर्न बजाना मना है, हॉर्न का साइन बन रहा है बीच में, उसको मैंने स्लैश से काट दिया, इसका मतलब है हॉर्न प्रोहिबिटेड, ये हॉर्न प्रोहिबिटेड का साइन है, ठीक है। ये कोई यूज़र पेडेस्ट्रियन उसकी फोटो है बीच में, ठीक है, पैदल यात्री की, यदि मैंने इसको क्रॉस कर दिया, इसका मतलब है पैदल चलना मना है, पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड, ठीक है, पैदल यात्री मना है। इसी प्रकार से साइकिल की फोटो लग रही है बीच में, ठीक है, ये साइकिल है, तो यहाँ पर यदि इसको भी मैं क्रॉस कर रखा हूँ, इसका मतलब साइकिल प्रोहिबिटेड, साइकिल मना है। राइट टर्न है, राइट टर्न उसको क्रॉस कर रखा है, राइट चलना मना है, राइट टर्न प्रोहिबिटेड। इसी प्रकार से लेफ्ट टर्न इज़ प्रोहिबिटेड। इसी प्रकार से ये टांगा बना हुआ है, तो टांगा प्रोहिबिटेड। इसी प्रकार से यदि कहीं पर ट्रक प्रोहिबिटेड करना है, ट्रक को मना करना है, ट्रक की एंट्री मना करनी है, तो वहाँ पर ट्रक को प्रोहिबिटेड कर सकते हैं क्रॉस लगा के। ये ओवरटेकिंग का साइन है, ओवरटेकिंग, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, ये ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड हो गया। ये है यू टर्न, यू टर्न, यदि यू टर्न को मैंने क्रॉस कर दूंगा स्लैश से, तो ये यू टर्न प्रोहिबिटेड हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी भी चीज़ को रिस्ट्रिक्शन करना है, प्रोहिबिशन करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसको क्रॉस कर दूंगा। यदि मेरे को उसको अलाउ करना है, तो मैं स्लैश नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ साइंस डिस्कस किए हैं, दीज आर रेगुलेटरी साइन और मैंडेटरी साइन। नेक्स्ट, वार्निंग साइन और क्योशनरी साइन, जो दूसरे हैं वो चेतावनी देने के लिए साइन है। वार्निंग साइंस और कॉशनरी साइंस गिव इंफॉर्मेशन टू द ड्राइवर अबाउट द इम्पेंडिंग रोड कंडीशन। ये जनरली उसकी सेफ्टी के लिए वार्न करना है, तो उसके लिए उसको रोड कंडीशन उसको बताना है कि आगे रोड कंडीशन क्या है, कहीं पर घुमाव तो नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ताकि जो ड्राइवर है उसकी सेफ्टी के लिए है, ठीक है, बेसिकली ड्राइवर की सेफ्टी के लिए है। तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं अपने पास। दे कॉल फॉर एक्स्ट्रा विजिलेंस
फ्रॉम द पार्ट ऑफ ड्राइवर, यानी मैंने बताया कि बेसिकली ये एक्स्ट्रा विजिलेंस के लिए, ड्राइवर के लिए है बेसिकली ये वाला साइन. द कलर कन्वेंशन यूज फॉर दिस टाइप ऑफ साइन इज दैट द लीजेंड विल बी ब्लैक इन कलर विद अ वाइट बैकग्राउंड. ठीक है, लीजेंड कैसा होगा, ब्लैक इन कलर विद अ वाइट बैकग्राउंड. जो लीजेंड यूज करेंगे वो हम क्या करेंगे, ब्लैक तो कलर होगा उसका और बैकग्राउंड क्या होगा, वाइट होगा. द शेप इज अपवर्ड ट्रायंगुलर और डायमंड शेप विद रेड बॉर्डर. और जो शेप होगी उसकी, ठीक है, वो क्या होगी, उस लेजेंड की शेप अपवर्ड ट्रायंगुलर होगा और क्या होगा, डायमंड शेप हो सकता है जो कि इंडिया में यूज नहीं होता, विद रेड बॉर्डर. एग्जाम्पल ऑफ कॉशनरी साइन, राइट हैंड कर्व साइन, साइन फॉर नैरो रोड, साइन इंडिकेटिंग रेलवे ट्रैक अहेड. तो ये उसको क्या दे रहा है, एक तरीके से उसको वार्न कर रहे हैं पहले कि आगे क्या क्या हो सकता है. ठीक है, कई बार हमने देखा होगा रेलवे फाटक होता है, उससे पहले ये वार्निंग साइन आता है. ठीक है, ये क्या शो करता है कि आगे क्या है, रेलवे फाटक है. तो इस प्रकार के साइन किस में आते हैं, कॉशनरी साइन और रेलवे साइन. चलो एग्जांपल देखते हैं हम वन बाय वन. तो सबसे पहले कि सारे ट्रायंगुलर होंगे, ठीक है, और इनका बैकग्राउंड वाइट है, बॉर्डर रेड है. अब देखते हैं वन बाय वन करके. सबसे पहले है, ये है राइट हैंड कर्व. ठीक है, किसका है ये, राइट हैंड कर्व है, राइट हैंड कर्व, राइट हैंड कर्व. ये ट्रायंगुलर, इसके अंदर राइट हैंड का निशान बना हुआ है, तो ये राइट हैंड कर्व. यदि मैं इसको लेफ्ट हैंड में बना दूंगा तो ये लेफ्ट हैंड कर्व हो जाएगा. ये है राइट हेयर पिन बैंड, राइट हेयर पिन बैंड, राइट हेयर पिन बैंड. ठीक है, ये है लेफ्ट हेयर पिन बैंड, ये लेफ्ट हेयर पिन बैंड है. ये है राइट रिजर्व्ड बैंड, ये है राइट रिजर्व्ड बैंड, राइट रिजर्व्ड, राइट रिवर्स्ड बैंड. ये है लेफ्ट रिवर्स्ड बैंड, लेफ्ट रिवर्स्ड बैंड. दिस इज लेफ्ट रिवर्स बैंड, दिस इज राइट रिवर्स बैंड, दिस इज स्टीप असेंट. ठीक है, यदि कहीं पर स्लोप इंक्रीजिंग हो, स्टीप हो, तो उसके लिए है ये स्टीप असेंट. ठीक है, यदि कहीं पर बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप हो, इसका है स्टीप डिसेंट, कहाँ पर ढलान हो बहुत ज़्यादा स्टीप, ये हो गया स्टीप डिसेंट, ये हो गया स्टीप असेंट, चढ़ाई ढलाई. ये है नैरो रोड का, आगे जाके जैसे रोड नैरो हो रही है तो वहाँ पर ये साइन मिलेगा, नैरो रोड अहेड. ये है नैरो रोड अहेड, नैरो रोड अहेड. ठीक है, सारे जो शेप है सबकी शेप सेम है, ट्रायंगुलर है. ठीक है, सबकी शेप, बॉर्डर रेड है, बैकग्राउंड वाइट है. ये है रोड, यदि वाइड हो रहा है तो आगे जाके क्या हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी रोड, तो ये रोड वाइडनेस अहेड. उसके बाद नैरो ब्रिज, नैरो ब्रिज का साइन ये है, ये नैरो ब्रिज हो गया. ये स्लिपरी रोड का साइन है, स्लिपरी रोड, ये लूज ग्रेवल का साइन है. यदि कहीं पर जो रोड में जो ग्रेवल होते हैं यदि वो लूज है तो लूज ग्रेवल का साइन है. ट्रायंगल बना हुआ है इसमें और कुछ ग्रेवल्स दिखा रखे हैं विद द कार. ठीक है, साइकिल क्रॉसिंग के लिए साइकिल बना रखी है और क्रॉसिंग शो कर रखी है, दिस इज साइकिल क्रॉसिंग, दिस इज पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग. क्या होगा, ट्रायंगल में पेडेस्ट्रियन के लिए क्रॉसिंग बना रखी है, एक पेडेस्ट्रियन को दिखा रखा है, दैट इज पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग. नेक्स्ट है, स्कूल में कोई स्टूडेंट्स को रन करता दिखा रखा है, इसके अंदर ट्रायंगुलर वाइट बैकग्राउंड और उसके अंदर स्टूडेंट को दिखा रखा है, दैट इज स्कूल अहेड. इसका मतलब है आगे क्या है, स्कूल है. यदि कोई इसमें एक पर्सन को काम करते हुए दिखा रहा है, दैट इज मैन एट वर्क, मैन एट वर्क. यदि रोड में ड्यूरिंग द ट्रैवल यदि कहीं पर काम चल रहा है या वर्क हो रहा है तो पहले यदि शो कर देंगे तो इसका मतलब है मैन एट वर्क, कि आगे इस प्रकार की आपको कोई चीज़ मिलेगी. कैटल, कहीं पर कैटल का जो आना जाना लगा रहता है, कई बार आजकल बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द एनिमल्स कैटल्स, तो ये है कैटल्स. फिर दिस इज फॉलिंग रॉक्स, कि आगे जो रॉक्स हैं वो कई बार यहाँ से रॉक से पत्थर गिर सकते हैं नीचे, तो पहले ही बता देंगे कि आगे सतर्क हो जाए, आगे इस प्रकार का हमको मिलेगा, फॉलिंग रॉक्स, दिस इज फेरी. ठीक है, तो ये कुछ कॉशनरी साइन और कुछ वार्निंग साइन दिए हुए हैं. ठीक है, वार्निंग साइन के बारे में सबसे अच्छी चीज़ ये याद रखनी है कि रेड बॉर्डर होगा, ट्रायंगुलर होंगे, वाइट बैकग्राउंड होगा. ठीक है,
क्यों? क्योंकि ये बेसिकली ड्राइवर के लिए है, उसको विजिलेंट करने के लिए है, उसको वार्न करने के लिए शेप है। तो ये कुछ मैंने डिस्कस किए हैं यहाँ पर, वार्निंग साइन। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेटरी साइन। इन्फॉर्मेटरी मतलब मेरे को इन्फॉर्मेशन देना है उसको, किसी ड्राइवर को, ठीक है, या रोड यूजर को, कम्यूटर्स को। तो बेसिकली ये इन्फॉर्मेटिव साइन का मतलब क्या है? ओनली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो द गाइड साइंस आर रिडक्टेंट फॉर द यूजर्स हु आर अकस्टम टू द लोकेशन। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स फॉर दिस टाइप ऑफ साइंस आर रूट मार्कर्स। तो इसमें हम देखेंगे रूट मार्कर्स टाइप साइन, डेस्टिनेशन साइन, माइल पोस्ट, सर्विस इन्फॉर्मेशन, रिक्रिएशनल एंड कल्चरल इंटरेस्ट एरिया साइन। तो ये कुछ इस टाइप के साइन होते हैं, रूट मार्कर होते हैं हमारे पास, डेस्टिनेशन साइन होगा, माइल पोस्ट होगा, सर्विस इन्फॉर्मेशन, रिक्रिएशनल साइन होंगे, कल्चरल इंटरेस्ट एरिया साइनिंग होंगे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट साइन बोर्ड है हमारे पास। रूट मार्कर्स आर यूज टू आइडेंटिफाइड नंबर्ड हाईवे, ठीक है। रूट मार्कर का मतलब क्या है? जो भी हाईवे है उसका नंबर लिखा होगा और उसको रूट बताएगा कि ये रूट इतने किलोमीटर पे है, ये इधर जा रहा है रूट, ठीक है। यदि मेरे को मान लो आगरा जाना है तो उसमें क्या होगा, आगरा इतने किलोमीटर है, और यदि उसी में ब्रांच में यदि कोई दूसरी सिटी है उसको भी शो कर देंगे हम कि लेफ्ट में इतने किलोमीटर ये सिटी है। तो बेसिकली ये रूट मार्कर है, ठीक है। दे हैव डिजाइन दैट आर डिस्टिंक्टिव एंड यूनिक, दे आर रिटन ब्लैक लेटर ऑन येलो बैकग्राउंड। तो ये जो लिखा होगा वो क्या लिखा होगा, किसमें लिखा होगा, जो इसको शो करेंगे वो लिखेंगे ब्लैक में लिखेंगे, और बैकग्राउंड कौन सा होगा, येलो बैकग्राउंड होगा, ठीक है। तो ये जो रूट मार्कर साइन होते हैं वो क्या होते हैं, राइट इन ब्लैक लेटर विद येलो बैकग्राउंड, येलो बैकग्राउंड होगा और जो लेटर होंगे वो ब्लैक होंगे। डेस्टिनेशन साइन आर यूज टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द क्रिटिकल डेस्टिनेशन पॉइंट एंड टू मार्क इंपॉर्टेंट इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब क्या है, जो ये साइन यूज होते हैं वो बेसिकली उसमें क्या होता है, डिस्टेंस साइन पे जो रूट साइन होता है उसमें क्रिटिकल डेस्टिनेशन पॉइंट लिखे होते हैं कि क्रिटिकल डेस्टिनेशन पॉइंट कौन सा, जनरली एंड पॉइंट होते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज होते हैं उसमें। डिस्टेंस इन किलोमीटर्स इज समटाइम्स मार्क टू द राइट साइड, और जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, जो डेस्टिनेशन होते हैं, उनके साइड में, राइट साइड में डिस्टेंस भी लिखी रहती है कि यहाँ से आगरा इतने किलोमीटर पे है, यहाँ से दौसा इतने किलोमीटर पे है, यहाँ से अलवर इतने किलोमीटर में है, ठीक है। और उनके रूट्स भी बने होते हैं विद किलोमीटर्स में डिस्टेंस। अब इसकी साइज क्या होती है, इसकी शेप रेक्टेंगुलर विद द लॉन्ग डायमेंशंस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये कौन सा होता है, रेक्टेंगुलर शेप होता है इसका, जिसमें जो लॉन्ग डायमेंशन होती है वो हॉरिजॉन्टल में होती है, लॉन्ग डायमेंशन इन हॉरिजॉन्टल, शॉर्ट डायमेंशन इन वर्टिकल, ये रेक्टेंगल का होगा, ठीक है। एंड दे आर कलर कोडेड एज वाइट लेटर विद ग्रीन बैकग्राउंड। और जो ये मेंशन करते हैं हम, ये डेस्टिनेशन बोर्ड जो होता है इसमें क्या होता है, वाइट लेटर होगा और बैकग्राउंड क्या होगा, ग्रीन होगा। तो वाइट लेटर विद ग्रीन बैकग्राउंड, तो ये हो गया डेस्टिनेशन साइन, ये हो गया रूट मार्कर साइन। नेक्स्ट है माइल पोस्ट आर प्रोवाइडेड टू इन्फॉर्म द ड्राइवर अबाउट द प्रोग्रेसेज। जो माइल पोस्ट या जो माइल स्टोन्स होते हैं वो हमको प्रोग्रेस बताते हैं, हम कितने किलोमीटर आगे आ गए और आगे कितने किलोमीटर जाना है हमको कोई भी जगह, ठीक है। अभी नेशनल हाईवे के लिए अलग माइल स्टोन होते हैं और स्टेट हाईवे के लिए अलग होते हैं, उनकी कलर कोडिंग भी अलग होती है। नेक्स्ट है सर्विस गाइड साइन। सर्विस गाइड साइन में क्या क्या हो गया, फूड, फ्यूल, मेडिकल असिस्टेंस, ठीक है, कि क्या सर्विसेज अवेलेबल है हाईवे में, ठीक है, कहाँ पर पेट्रोल पंप है, कितनी दूर पे मेडिकल फैसिलिटी है, कितनी दूर पे हमको फूड मिल जाएगा, रेस्टोरेंट मिल जाएगा, होटल मिल जाएगा, ठीक है। तो सर्विस के बारे में बताता है ये, ठीक है। अब इसके लिए जो कलर कोडिंग है वो क्या है, वाइट लेटर्स ऑन ब्लू बैकग्राउंड। लेटर कौन से होंगे, वाइट लेटर ऑन ब्लू बैकग्राउंड, यदि इस प्रकार का है तो ये कौन सा साइन आ गया, ये आ गया सर्विस गाइड साइन बोर्ड। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन ऑन हिस्टोरिक, रिक्रिएशनल एंड अदर कल्चरल साइन एटसेट्रा एरिया इज गिवन ऑन वाइट लेटर विद ब्राउन बैकग्राउंड। ये है वाइट लेटर विद ब्राउन बैकग्राउंड, ये कौन सा है, रिक्रिएशनल साइन हो गए, कल्चरल साइन हो गए, हिस्टोरिक साइन हो गए। इन द फिगर वी कैन सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ इन्फॉर्मेटिव साइन विच इंक्लूड रूट मार्कर्स, डेस्टिनेशन साइन, माइल पोस्ट, सर्विस सेंटर इन्फॉर्मेशन एटसेट्रा। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखूंगे, ये डायरेक्ट मैंने IRC कोर्स से लिया हुआ है, ठीक है, तो IRC 67 से लिया हुआ है मैंने। तो ये देख रहे होंगे आपने, मैंने शो किया है, ये देखो नजफगढ़, तो देखो मैंने शो किया है ये नजफगढ़, जैसे एरो शो किया है मैंने, इधर रोहतक है,
यहाँ पर न्यू दिल्ली है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन शो करी है मैंने कि नजफगढ़ कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, रोहतक कहाँ है। उसके बाद मैंने बताया था राइट साइड में डिस्टेंस भी लिखी हो सकती है कि दिल्ली इस डायरेक्शन में है, रोहतक इस डायरेक्शन में है, नजफगढ़ इस डायरेक्शन में है, ये 3 किलोमीटर, ये 58, ये 81 किलोमीटर है, ठीक है। कई बार इस प्रकार से भी लगे होते हैं, आपने देखा होगा, तो ये नजफगढ़ 3 किलोमीटर इस प्रकार से भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया एक इन्फॉर्मेटरी साइन, बेसिकली ये हो गया डेस्टिनेशन साइन, ये अपन को डेस्टिनेशन बताता है। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल जो कि हम सबने देखा है, इस प्रकार से हम सबने देखा होगा ये, ठीक है, कि आगरा जयपुर कितनी डिस्टेंस पे है, ठीक है, श्रीगंगानगर कितने डिस्टेंस पे है, जोधपुर कितने डिस्टेंस पे है। तो ये रियल टाइम एग्जांपल है कि इस प्रकार का जो बोर्ड होता है जिसमें कि ग्रीन बैकग्राउंड होगा और वाइट क्या होगा इसमें लिखा होगा, ठीक है। तो ग्रीन बैकग्राउंड और वाइट इन लेटर होता है, तो दैट इज डेस्टिनेशन साइन। तो ये हो गया डेस्टिनेशन साइन। अब नेक्स्ट लेते हैं हम, नेक्स्ट है ये, ठीक है, ये है रूट मार्कर्स। अब इसमें रूट बताया हुआ है कि ये कौन सा रूट है, ये राइट साइड में रूट को बता रखा है, ठीक है, ये बता रखा है कि इस प्रकार से रूट जा रहा है आगे, ठीक है, विद टर्न ये बता रखा है, ठीक है, जस्ट लाइक कि एक पाथ इधर जा रहा है, एक पाथ इधर जा रहा है, एक पाथ इधर जा रहा है, ठीक है। टी पॉइंट बता रखा है एक तरीके से कि आगे टी पॉइंट आएगा, ठीक है। ये मर्जिंग बता रखा है कि यहाँ जाके ट्रैफिक मर्ज हो रहा है, ये एक तरीके से रोटरी टाइप बता रखा है, ये भी टी पॉइंट है, ठीक है, ये भी मर्जिंग बता रखा है। ये कौन सा मर्जिंग है, ये लेफ्ट मर्जिंग है, ये राइट से मर्जिंग है, दिस इज राइट मर्जिंग, दिस इज राइट मर्जिंग, दिस इज लेफ्ट मर्जिंग, ठीक है। ये स्टैगर्ड रोड बता रखा है, वाई टाइप इंटरसेक्शन है, ये लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में है, वाई टाइप इंटरसेक्शन हो गए, ये इन्वर्टेड वाई टाइप हो गए, ये वाई टाइप हो गए, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमको रूट्स बता रखे हैं, रूट्स मार्क कर रखे हैं, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें हमको रूट बताती हैं कि किस प्रकार के रूट को जो ड्राइवर है प्रोग्रेस करने वाला है। यदि ये बोर्ड दिखेगा तो पता लग जाएगा आगे कौन सा जंक्शन है, इंटरसेक्शन है, वाई टाइप है, स्टेगर्ड है, टनल टाइप है, या आगे रोटरी है, या आगे घुमाव है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या शो करता है, रूट शो करता है। तो दिस इज द रूट मार्कर्स साइन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द रूट मार्कर्स साइन। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, येलो बैकग्राउंड विद ब्लैक लेटर और ब्लैक डायग्राम या ब्लैक पिक्चर, ठीक है। ये क्या है, सबसे बात बैकग्राउंड कौन सा है, इसमें येलो है और लिखा हुआ किसमें है, इसमें ब्लैक में, तो दिस इज रूट मार्कर्स। नेक्स्ट है, ये है सर्विस गाइड साइन। अब सर्विस गाइड साइन में ये पहला हो गया पब्लिक टेलीफोन, दिस इज द साइन ऑफ पब्लिक टेलीफोन, पब्लिक टेलीफोन, दिस इज पब्लिक टेलीफोन, दिस इज पेट्रोल पंप, दिस इज पेट्रोल पंप, दिस इज हॉस्पिटल, दिस इज हॉस्पिटल, दिस इज फर्स्ट एड पोस्ट, फर्स्ट एड पोस्ट, दिस इज ईटिंग प्लेस, रेस्टोरेंट, होटल्स, एनीथिंग एल्स, ईटिंग प्लेस, दिस इज लाइट रिफ्रेशमेंट, चाय की थड़ी वगैरह, लाइट रिफ्रेशमेंट, लाइट रिफ्रेशमेंट, दिस इज रेस्टिंग प्लेस, दिस इज रेस्टिंग प्लेस, रेस्ट हाउस, दिस इज थ्रो रोड, दिस इज थोरो साइड रोड, दिस इज पार्किंग साइन, इज इन रेड इन राइट साइड पार्किंग, दिस साइड पार्किंग विथ साइन, दिस इज पार्किंग इन दिस साइड, दिस इज पार्किंग लोट स्कूटर एंड मोटरसाइकिल, दिस इज पार्किंग लोट फॉर स्कूटर एंड मोटरसाइकिल, एंड दिस इज स्लिपरी रोड, दिस इज स्लिपरी रोड। सो दीज आर द सर्विस गाइड साइन बोर्ड्स। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन ईजिली असेस द सर्विस गिवन अस, सर्विस विल बी ऑन द अवेलेबल ऑफ द रोड। तो जो हमको सर्विस दी हुई है रोड पे, वो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि रेस्टोरेंट दी हुई है, या हमारे को पेट्रोल पंप कहाँ है, या हमको यदि चाय पीनी है तो चाय के लिए लाइट रिफ्रेशमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, वाइट बैकग्राउंड हो गया इसमें, और वाइट क्या हो गया, जो ये डायग्राम्स बने हुए हैं ये वाइट है, तो इसमें बैकग्राउंड क्या है, ब्लू और वाइट इन लेटर। तो ये हो गया सर्विस गाइडलाइन। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा रिक्रिएशनल हिस्टोरिक एंड कल्चरल साइन। तो उसमें क्या है, बैकग्राउंड कौन सा है, ये ब्राउन बैकग्राउंड है और लिखा हुआ किसमें है, वाइट, तो वाइट इन लेटर्स एंड ब्राउन इन बैकग्राउंड। तो ये हो गया एग्जांपल।
इंफॉर्मेशन ऑन हिस्टोरिक रिक्रिएशन एंड अदर कल्चर आइकन, तो ये इन तीनों के लिए यूज होता है। ठीक है, तो हमने 4-5 तरीके के ट्रैफिक साइंस देख लिए जो कि इंफॉर्मेटरी साइन है, उसमें अलग अलग कलर कोडिंग यूज करी, अलग अलग बैकग्राउंड यूज किया, अलग अलग लेटर यूज किया, तो ये हो गए हमारे टोटल साइन बोर्ड 3 टाइप के। नेक्स्ट है रोड सेफ्टी। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा, अभी हमने ट्रैफिक साइंस के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रोड सेफ्टी के बारे में। ठीक है, कि रोड सेफ्टी क्या होती है। द टर्म रोड ट्रैफिक सेफ्टी इज एन इंडिकेशन ऑफ हाउ सेफ इंडिविजुअल यूजर्स आर ऑन द सम पर्टिकुलर रोड। ठीक है, कि जो रोड पे जो उसको यूज कर रहा है वो सेफ कैसे रह सकता है, कैसे रहे वो। ठीक है, तो दिस इज कम्स अंडर द रोड सेफ्टी। द मेन डेंजर टू रोड यूजर इज द लाइकलीहुड ऑफ ए ट्रैफिक कोलिजन। कई बार क्या होता है, ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि कोलिजन हो जाए दो व्हीकल के बीच में, सबसे ज़्यादा चांसेस इसी के रहते हैं। मोर देन 1.2 मिलियन पीपल आर किल्ड इन रोड एक्सीडेंट। लगभग 12 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है, एवरी ईयर 3-4% ऑफ GNP इज लॉस्ट इन रोड एक्सीडेंट। 3-4% जो हमारी जो GNP है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसका लॉस्ट होता है रोड एक्सीडेंट से। वन चाइल्ड इज किल्ड इन रोड एक्सीडेंट एंड एवरी 3 मिनट्स इन द वर्ल्ड। हर 3 मिनट में एक बच्चा मरता है वर्ल्ड वाइड। फॉर मेल एज 15-44 रोड ट्रैफिक इंजरीज रैंक सेकेंड बिहाइंड HIV एंड एड्स। 15-44 साल के लोगों में HIV और एड्स के बारे में सेकेंड नंबर पे जो आता है वो आता है ट्रैफिक इंजरीज। ठीक है, तो 15-44 एज ग्रुप। कॉमन कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट। जनरली जो सामान्यतः देखा जाता है कि रोड एक्सीडेंट के कारण क्या है, सिंपल कारण वो हम देखते हैं। रोड यूजर्स, ठीक है, रोड यूजर खुद की वजह से ही कई बार एक्सीडेंट हो सकता है, उनकी खुद की वजह से भी। कैसे हो सकता है? ए मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ एक्सीडेंट इज वैन द यूजर इज नॉट केयरफुल। यदि हम ड्राइविंग करेंगे केयरलेसली, रेकलेसली, ठीक है, तो डेफिनेटली एक्सीडेंट वहाँ पर हो सकता है। इसलिए जब भी हम ड्राइविंग करें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर करें। ओवर स्पीडिंग, कंज्यूमिंग एल्कोहल वाइल ड्राइविंग मेक यूजर टू लूज कंट्रोल वाइल ड्राइविंग विच लीड्स टू एक्सीडेंट। कई बार हम क्या होता है, एल्कोहल पी के भी चलाते हैं गाड़ी को, और ओवर स्पीडिंग, ठीक है, ओवर स्पीडिंग मतलब जो स्पीड जो डिनोट की गई है NHAI के या स्टेट हाईवे अथॉरिटी के द्वारा, यदि हम उससे ज़्यादा ओवर स्पीडिंग पे यदि हम व्हीकल को रन करेंगे तो डेफिनेटली एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, इसलिए साइन बोर्ड देख के और जो डिनोट किए हैं जिस हाईवे के लिए जो स्पीड उस पर ही चलाएं और उससे कम पर ही चलाएं। अदर प्रोमिनेंट एग्जाम्पल इंक्लूड्स अनसेफ लेन चेंज। कई बार क्या होता है, हम लेन चेंज करते हैं ड्यूरिंग द ड्राइविंग, लेकिन हम बिना देखे करते हैं, साइड जो हमारे ग्लासेस गिवन है साइड के ग्लासेस उसमें देख के करें हम यदि हमको लेन चेंज करनी है, लेकिन हम अनसेफ लेन चेंज कर लेते हैं, उसके कारण भी कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। एंड रनिंग स्टॉप साइन, कई बार क्या होता है वहाँ पर स्टॉप साइन लग रहा है लेकिन हम फिर भी उसको बिना देखे और क्रॉस कर जाएंगे और हम रुकेंगे नहीं, तब भी एक्सीडेंट हो सकता है। हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए रोड यूजर टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। इसलिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है कि जो रोड यूजर है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को यूज करे या उनको माने, फॉलो करे। व्हीकल्स, पहला हो गया रोड यूजर, जो पहला कारण है एक्सीडेंट का हो गया रोड यूजर। दूसरा हो गया व्हीकल्स, सडन फेलियर्स इन व्हीकल इज अनदर मेजर कॉज। कई बार क्या होता है जो हमारा व्हीकल है उसी में दिक्कत आ जाएगी, वही खराब हो जाएगा ड्यूरिंग द यूज। यदि हम उसको चला रहे हैं चलते वक्त ही कोई उसमें प्रॉब्लम आ गई तो वो भी ब्रेक फेल हो गए सपोजिंग दैट, तो एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है एक्सीडेंट होने का। इसलिए हमको रेगुलर क्या सर्विस कराती रहनी चाहिए और रेगुलर हमको जो भी मेंटेनेंस करते रहना चाहिए व्हीकल का। नेक्स्ट है रोड कंडीशन। कई बार जो एक्सीडेंट होता है वो रोड कंडीशन की वजह से होता है कि हम चल रहे हैं अचानक से क्या आ जाए, गड्ढा आ जाए, ठीक है, या रोड कहीं स्लिपरी रोड आ जाए, ठीक है, कहीं पर ग्रेवल बिच, कहीं पर पोर्ट होल्स हो रहे हैं, तो उन वो भी एक रीज़न है कि उसकी वजह से भी क्या एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो मैनी टाइम एक्सीडेंट माइट अकर ड्यू टू बैड रोड डिज़ाइन और पुअर रोड कंडीशन। ड्यू टू बैड रोड डिज़ाइन द साइट ऑफ द रोड यूजर इज कॉम्प्रोमाइज स्पेशली एट इंटरसेक्शन। यदि हमने इंटरसेक्शन और कर्व को गलत डिज़ाइन किया है तो जो विजिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी और उसके कारण भी वहाँ पर क्या हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो जो रोड कंडीशन है वो डिज़ाइन की वजह से भी
बेकार हो सकती है क्योंकि सही से डिजाइन नहीं किया गया रोड। ड्यू टू पुअर रोड कंडीशन लाइक पोर्ट होल्स ए स्पीडिंग व्हीकल में लूज कंट्रोल। यदि पोर्ट होल्स मतलब गड्ढा यदि हमको बीच में मिल जाएगा उसकी वजह से भी जो व्हीकल है वो अपना जो कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं खो सकता है और उसके कारण भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। सच एक्सीडेंट कैन इजिली बी अवॉइडेड बाई प्रॉपर रोड डिजाइनिंग एंड यूज गुड क्वालिटी मटेरियल। यदि हम रोड को प्रॉपरली डिजाइन करेंगे और जो रोड है वो अच्छे मटेरियल से बनाएंगे तो इस प्रकार के जो कारण है एक्सीडेंट होने के रोड कंडीशन की वजह से वो अवॉइड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल फैक्टर। कई बार बैड एनवायरमेंट की वजह से भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, जैसे रेन हुआ, विंड हुआ, फोग हुआ, ठीक है, तो इनकी वजह से भी कई बार क्या होता है एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो जनरली यदि ऐसी कंडीशन हैं तो हम वैसे तो घर से बाहर ही ना निकलें, ठीक है। यदि इमरजेंसी में ऐसी कंडीशन भी हो तो हम हमारी व्हीकल को रोक के एक साइड खड़े हो जाएं या हम वेट करें एनवायरनमेंट को सही होने का, ठीक है, और अदरवाइज हम इग्नोर करें उस टाइम पर ट्रैवल करना, तो एनवायरनमेंट भी एक बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट इज एनिमल। आजकल जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो एनिमल भी, बहुत एक्सीडेंट होते हैं जो एनिमल की वजह से होते हैं। सडन अपीयरेंस ऑफ द एनिमल इन द मिडल ऑफ द रोड मेक कम्यूटर लूज कंट्रोल ऑफ इट्स व्हीकल कॉजिंग एक्सीडेंट। तो इस प्रकार के भी आजकल काफ़ी देखे गए हैं, इसलिए इस प्रकार से बचने के लिए या तो हमको क्या फेंसिंग करनी चाहिए रोड के दोनों साइड या हाई कर्व एंड रेगुलर चेकअप करने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें करनी चाहिए ताकि जो एनिमल है वो कम से कम अपीयर हो स्पेशली ऑन रोड, ताकि हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकें। रोड सेफ्टी मेजर। रोड सेफ्टी मेजर में सबसे पहले आता है इंजीनियरिंग मेजर। 3 टाइप्स के मेजर हैं, उसमें फर्स्ट है इंजीनियरिंग मेजर, उसमें रोड डिजाइन। तो जो इंजीनियरिंग मेजर है उसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं रोड डिजाइन। द डिजाइन शुड बी सच दैट इट शुड प्रोवाइड प्रॉपर विड्थ, साइड डिस्टेंस, सेटबैक डिस्टेंस। तो हमको रोड को यदि सेफ्टी रोड को सेफ बनाना है तो हमको इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या कर सकते हैं हम, तो पहला है रोड डिजाइन, उसके लिए सेटबैक डिस्टेंस हो गई उसमें, और साइड डिस्टेंस हो गई, और विड्थ जो रोड की है वो प्रॉपर डिजाइन होनी चाहिए यदि हमको एक्सीडेंट को रोकना है, यदि हमको रोड को सेफ बनाना है। सेकेंड है वेल मेंटेन्ड व्हीकल। जो हमारे व्हीकल्स हैं उनको मेंटेनेंस प्रॉपर रहनी चाहिए, चेकअप प्रॉपर कराना चाहिए, सर्विस प्रॉपर कराना चाहिए, ठीक है। इक्विपमेंट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए ताकि जो एक्सीडेंट है उसको कहीं ना कहीं हम अवॉइड कर सकें। टू अवॉइड सडन व्हीकल फेलियर इट शुड बी वेल मेंटेन्ड एंड मस्ट बी इक्विप्ड विद गुड क्वालिटी इक्विपमेंट, ठीक है। सर्विस भी हमको टाइम टू टाइम करानी चाहिए ताकि हमको पता लग जाए कि हमारे इक्विपमेंट या हमारे व्हीकल में क्या प्रॉब्लम चल रही है। सेकेंड है रिसर्च। ए रिकॉर्ड ऑफ एक्सीडेंट एंड पैटर्न शुड बी मेंटेन्ड एंड स्टडीड, देन हॉट स्पॉट फॉर एक्सीडेंट शुड बी आइडेंटिफाइड। हमको रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए कहाँ कहाँ पर एक्सीडेंट हो रहा है, किस पैटर्न में हो रहा है, ताकि उसको हम स्टडी करके पढ़ के, ठीक है, उसको सुधार करने की कोशिश करें ताकि आगे एक्सीडेंट ना हो। रोड लाइटनिंग। प्रॉपर रोड लाइटनिंग प्रोवाइड्स गुड विजिबिलिटी ड्यूरिंग नाइट, दस रिड्यूसिंग एक्सीडेंट। और जो रोड पे लाइटनिंग है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए ताकि जो विजिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए, जिससे कि हमारे जो एक्सीडेंट है वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो टोटल मिला के इंजीनियरिंग मेजर में 4 फैक्टर हैं। पहला है रोड डिजाइन, सेकेंड इज वेल मेंटेनेंस व्हीकल, थर्ड इज द रिसर्च, एंड लास्ट वन इज द बैड लाइटनिंग, रोड लाइटनिंग। नेक्स्ट है इन्फोर्समेंट मेजर, ठीक है। पहला हो गया हमारा इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकंड देखें एनफोर्स मेजर। अनदर वे टू मिनिमाइज द रोड एक्सीडेंट इज बाय इम्पोजिंग नेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशन एंड एंश्योरिंग दे आर फॉलोड। इन्फोर्समेंट में हम क्या करेंगे, एनफोर्स करेंगे रोड यूजर्स को कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें जो कि उनको बताए गए हैं, जो कि उनको समझाए गए हैं। तो उसमें पहला है स्पीड कंट्रोल, स्पीड को कंट्रोल रखें हम, ठीक है, स्पीड ज़्यादा ना बढ़ाएं। तो ऐसा स्पीड कंट्रोल के हमको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो रोड यूजर उसको बताने होंगे उनको देने होंगे। नेक्स्ट है ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेज। ट्रैफिक सिग्नल्स आर इंस्टॉल्ड इन द एरिया सब्जेक्टेड टू हैवी ट्रैफिक एंड इंटरसेक्शंस। ट्रैफिक अथॉरिटीज शुड इंश्योर दैट ट्रैफिक सिग्नल्स आर फॉलोड सक्सेसफुली एंड इफ नॉट यूजर मस्ट बी अवॉर्डेड विद पेनल्टी। तो जो ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेज हैं जो कि अपने आजकल देखते हैं हम, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो कि जो भी कम्यूटर्स हैं, जो भी रोड यूजर्स हैं उनको कंट्रोल करता है, उनके मूवमेंट को कंट्रोल करता है। यदि कोई फिर भी फॉलो नहीं करता ट्रैफिक सिग्नल्स को तो वो पेनलाइज भी होते हैं और पेनल्टी करनी चाहिए हमको। नेक्स्ट है मेडिकल चेकअप। द रोड यूजर्स शुड रेगुलरली चेक फॉर विजन एंड रिएक्शन टू एंश्योर एक्सीडेंट फ्री स्मूथ ट्रैफिक फ्लो। और रेगुलर चेकअप भी होना चाहिए। ट्रेनिंग एंड सुपरविजन। द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज शुड बी स्ट्रिक्ट इन टेस्टिंग एंड इशूइंग लाइसेंस टू ड्राइवर, स्पेशली ड्राइवर्स ऑफ पब्लिक सर्विसेज व्हीकल और टैक्सीज। जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज हैं उनको टेस्ट करना चाहिए और उनको क्या क्या देना चाहिए, लाइसेंस प्रोवाइड करना चाहिए, स्पेशली किसको, पब्लिक सर्विस व्हीकल्स और टैक्सीज को,
ताकि जो हमारे एक्सीडेंट हैं उनको कम से कम किया जा सके, हमारे रोड को सेफ्टी दी जा सके। नेक्स्ट इज एजुकेशन कंट्रोल मेजर, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शिक्षा। यदि हम शिक्षित नहीं करेंगे हम वर्क को, ठीक है, तो सारी चीज़ बेकार है। इसलिए यदि हम एजुकेशन में यदि हम रोड सेफ्टी को ऐड कर दें और यदि उनको मैं स्टडी कराना लग जाए शुरू से ही फ्रॉम द प्राइमरी लेवल, तो जैसे जैसे वो बड़े होंगे तो वो जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको वो जान जाएंगे, ताकि वो एजुकेटेड भी हो जाएंगे। तब वो जब ड्राइव करेंगे तो उनको याद रहेगा कि हमने क्या स्टडी किया था, और वो उनको फॉलो करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन को, ताकि जो हमारी कैजुअलिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी। तो द रोड यूजर शुड बी एजुकेटेड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेफ ड्राइविंग एंड नेसेसिटी ऑफ फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। पढ़ाया जाना चाहिए छोटी क्लासों में ट्रैफिक रूल्स के बारे में, रेगुलेशंस के बारे में, ठीक है, ताकि एक्सीडेंट और रोड कैजुअलिटी कम से कम की जा सके। तो ये भी एक तरीके का रोड सेफ्टी मेजर्स के अंदर ही कवर करते हैं हम, एजुकेशनल कंट्रोल मेजर्स।